दोस्तों आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है और आप CSC के तहत DZIPay को इंस्टॉल करने जा रहे हैं और आपको वहाँ पे हिरण मारता है दिस प्रोग्राम रिक्वायर विंडोज सर्विस पैक 1 और लेटर। तो इसका क्या है सॉल्यूशन, आप किस प्रकार से अपने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर DZIPay को इंस्टॉल कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो एक आप CSC VLE है, CSC का सर्विस देते हैं, आपके DZIPay मोबाइल पे तो यूज कर ही रहे हैं, आप चाहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर भी यूज करना, तो आपको ये जो दिक्कत आ रही है इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो इसका अगर हम बोले सॉल्यूशन, तो इससे सॉल्यूशन जाने पहले आपको इसका कारण जानना होगा ये इशू क्यों आ रहा है। स्पेशली ये जो इशू है DZIPay का वर्जन 6.5 में हमें देखने को मिल रहा है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ, DZIPay 6.5 वर्जन। अब इसका सॉल्यूशन जानने के लिए हमने कारण तो बता दिया आपको, सॉल्यूशन इसको जानते हैं। आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है वो ओल्ड है, DZIPay कहना है, और वो सपोर्ट में नहीं है अब, यानी कि वो आपके यूज में नहीं, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दो इसका सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आपको अपना कंप्यूटर को फॉरवर्ड करके अपडेट करने होंगे विंडो 8, 10, 11 जिसके साथ आप जा सकते हो, उसमें आपका नॉर्मली काम करेगा। जिन भाई लोग का विंडोज 8, 10, 11, 8.1 है उनमें नॉर्मली काम करने को दिख रहा होगा। अब आप चाहते हो कि नहीं हमें विंडोज 7 में ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा कंप्यूटर फॉरवर्ड करने जाएंगे पैसे फेंकेंगे 300-400 रुपए लग जाएंगे, क्यों करना, तो वो भाई लोग के लिए ये है सॉल्यूशन। सिंपली आप अपने विंडोज 7 के विंडोज में टैप करना और यहाँ पर सर्च करना REGEDIT REGEDIT, ये करके एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर्च, इसमें ओपन करना है। जैसे ओपन करके यहाँ पे कुछ अलाव वगैरह आएगा एंड यहाँ पे इनका एक पॉपअप खुल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे इनमें आपको HKEY क्लास रूट है, HKEY करंट यूजर है, या तीसरा ऑप्शन जो HKEY लोकल मशीन के अंदर जाना है। फिर उसमें जाने के बाद वहां पे आपको सबसे लास्ट में HKEY लोकल मशीन के अंदर एरो जो दिख रहा हुआ सिस्टम के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे एरो क्लिक करो, ये सारा यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। अब सिंपली सिस्टम में अंदर आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल सेट 001 के अंदर आपको डबल टैप करना है, या फिर एक कोने में एरो पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद कि जस्ट नीचे कंट्रोल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके अंदर आपको चले जाना है। अब आप इसको चाहो तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, ज्यादा देखना है आपको व्यू के लिए, उसके लिए यहाँ पे इसको ऐसे करोगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक कंट्रोल के अंदर आपको ढूंढना है विंडोज नाम से एक फोल्डर, इसको काफी नीचे W से होती है, तो आपको नीचे आ जाना, नीचे जाओगे यहाँ को विंडोज आपको देख लो, डबल टैप करना है। यहाँ जब डबल टैप करो यहाँ पे कुछ लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, सावधानी से आपको CDS वर्जन ऊपर से पांचवा ऑप्शन दिखे इसको डबल टैप करना है। ये डबल इसका जो वैल्यू डाटा की है ये 0 है, आपको इसे क्या करना है 100 कर देना है 100 और बाकी सब कुछ इसे ओके कर लेना है। ओके कर लोगे अब नॉर्मली आप इसे यहाँ से कट कर दे, इसे भी कट कर दे और अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर ले। तो चलिए हमारा जो है कंप्यूटर रिस्टार्ट हो चुका है। अब सिंपली हम फिर से जाएंगे DZIPay को एप्लीकेशन EX की फाइल में और उसको दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे वो अब होता है या नहीं होता है। रन कर दिया, प्रोसेस लिया जा रहा है इंस्टॉलिंग का एंड यस, बाकी टर्म एंड कंडीशन अग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आप चाहो तो रख सकते हो, नेक्स्ट इंस्टॉलिंग। तो नॉर्मली यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है हमारा विंडोज 7 बिना फॉर्मेट किए, बिना इसे अपडेट किए इंस्टॉलिंग ले रहा है। हम इसको ना सिर्फ इंस्टॉलिंग करके हम इसे ओपन करके दिखाएंगे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक और बात, ना सिर्फ आप ये DZIPay पे, आप उधर जितने भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल एरर मारता है, जो इंस्टॉल मैंने स्क्रीनशॉट शुरू में दिखाया, ये एरर अगर आता है तो आप इस ट्रिक के जरिए जो मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप फिर से आप रिपीट कर लेना, वीडियो को पॉज कर देख लेना, अगर इशू आ रहे को देखने के लिए स्लो करके देख लेना, आप इस नॉर्मल इंस्टॉल कर सकते। इस पहले DZIPay CSC के फिंगर डिवाइस के थ्रू आप पैसे निकालने वगैरह काम करते हो उनके लिए काफी बेहतर है। यहाँ पे लॉन्च मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया, कोई विंडो को अपडेट नहीं किया, जो फोल्डर फाइल आपके सामने दिख रहा सेम वैसा ही है, अलावा एक्सेस करेंगे JavaScript का जो हमारा यहाँ पर है एंड आप इस फाइल को काट देंगे और देख सकते हैं विंडो अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे DZIPay दिख रहा है, इसे खींच कर आप बाहर ला सकते हो, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप इसे कहीं भी रख सकते हो। अब इसे डबल टैप करके ओपन कर लेंगे, हम ओपन करके आपको यहाँ पे सब कुछ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे एलर्ट रनिंग है, यहाँ पे हमारा नॉर्मली
जो CSC ID है वो डाल के यहाँ पे आप इसे प्रोसीड कर लॉगिन कर लेंगे। तो मुझे बहुत लाभ भाई लोग को इशू आ रही है विंडोज 7 यूज करने के लिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके मैंने बताया, कुछ नहीं करना है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, आप सेटअप कर लोगे। चाहो तो वीडियो को अपने जगह देख सकते हो, छोड़ जा सकते, लेकिन मैं सेटअप इसे दिखा रहा हूँ कि विंडोज 7 ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते विंडोज 7 का आइकॉन है, सब कुछ विंडोज 7 की तरह है। बस मैं यहाँ पे प्रोसेस पूरा दिखाना चाहता हूँ कि काम अंदर भी कर रहा है कि वहाँ भी कुछ इशू आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं डिवाइस, क्योंकि वो स्टार्टेक FM220 है और विंडोज 7 में इसका काफी इशू आता है इंस्टॉल करने में, इसलिए मैं वीडियो ला दूंगा। इसके आपको चैनल सब्सक्राइब करना, जब भी वो वीडियो चैनल पे आएंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। हमने ऑथेंटिकेट पर टैप किया, वेट करते हैं, हमारे डिवाइस को फिच किया जाएगा DGP के तहत। और यहाँ पर डिवाइस हमारा ब्लिंक हो चुका है, हम फिंगर रखते हैं, हमारा फिंगर कैप्चर ले लिया है यहाँ पर, वेट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा DGP एक्सेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे DGP ने प्रोसेस ले लिया, फिर से बैकग्राउंड रिस्टार्ट हो गया, फिर से आपके सामने ओपन DGP हो जाएगा, ओपन हो गया, हमारा DGP सामने नॉर्मली खुल चुका है। तो यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेट कर लिया फिंगर डिवाइस के थ्रू। विंडोज 7 इंस्टॉल इशू आता है, विंडोज 7 आपको छोटा सेटिंग चेंज किया, विंडोज 7 इंस्टॉल हो गया। अब ना सिर्फ विंडोज 7 DGP को, आप अदर एप्लीकेशन जो इशू ऐसा मारता है विंडोज सर्वर पैक 1 या हायर करके, बस अभी छोटा चेंजिंग करो, आपका नॉर्मल इंस्टॉल वगैरह वर्क करने लगेगा। जिन भाई को विंडोज 7 है घबरा मत भाई, आपका भाई हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। बस आपको एक छोटा सा हेल्प कर देना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल दबाना और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो ये था प्रोसेस किस प्रकार से आप DGP को विंडोज 7 के ऊपर इंस्टॉल इजीली कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को सुझाव आपकी राय को स्टिल बनी हुई थी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप पेड रजिस्ट्रेशन करवा चाहते हैं, आपसे नहीं हो रहा तो मुझसे भी करवा सकते, चैट डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैट लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन वो चार्जेबल होंगे, लेकिन आप वीडियो देख कर लो, फ्री में विंडोज 7 पे DGP इंस्टॉल कर सकोगे। तो वीडियो अच्छा लाइक कर दोस्तों, शेयर कर, चैनल पहली बार नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर, बिल्कुल आप मिलते हैं ऐसे कोई नॉलेज टेक्निकल फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।